ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ भट्टी शराब और महुआ लहान बड़े पैमाने पर बनाई और बेची जा रही है। आबकारी विभाग कार्रवाई करने तो पहुंचता है, लेकिन उससे पहले आरोपी मौके से भाग जाते हैं। एक बार फिर कंट्रोल रूम प्रभारी आरपी दुबे और सहायक जिला आबकारी अधिकारी नागेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में सिया और दुर्गापुर के आसपास अल सुबह जंगल और नालों में अवैध शराब बनाने के अड्डों पर आबकारी की टीम ने दबिश दी। टीम को देखकर आरोपी तो मौके से भाग गए। टीम को 15 लीटर हाथ भट्टी शराब और 1650 लीटर महुआ लहान मिली, जिसे जब्त किया गया है। शराब और लहान की कीमत 85,500 रुपए बताई जा रही है। कार्यवाही के दौरान आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव, मुख्य आरक्षक राजा राम रेखवार, बाल कृष्ण जायसवाल मौजूद थे। लॉकडाउन में सभी लाइसेंस दुकानें बंद हैं, जिस कारण अवैध मदिरा का भारी उत्पादन हो रहा है। उसी के मद्देनजर कलेक्टर महोदय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अल सुबह सियापुरा और दुर्गापुरा के आसपास जंगलों में सघन तलाशी ली गई तो करीब 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 15 लीटर लगभग लहान बरामद हुआ है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 85,500 रुपये है। और आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मदिरा का जब्त किया गया, महुआ को सैंपल लेकर नष्ट किया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।